आपको डिस्क्राइब करके बताया जाएगा ताकि आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको कोई इशू ना हो। ये जो टॉपिक जो आज मैं कराने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, ये चाइल्ड पैडागोजी का टॉपिक है और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं रीडिंग स्किल। इसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो सी टेट हो, बी टेट हो, यू पी टेट हो, रीट हो, डी ट्रिपल एस बी हो, के वी एस हो या एन वी एस हो, ये कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, रीडिंग स्किल के ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इसी रीडिंग स्किल के जो छोटे छोटे कैप्सूल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर आपको पता होगा तो आप वो क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे और उसका एक नंबर आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आज मैं अपने चैनल पे आपको रीडिंग स्किल के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो मेरे इस चैनल को ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी करना ना भूलें और लाइक भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं ऑलरेडी टीचिंग से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पहले भी अपना चैनल बनाया था, मैंने उसका नाम चेंज करके इसका नाम कर दिया टीचिंग कैप्सूल। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक टॉपिक जो एक वर्ड आपको सुनने में आता है हर एग्ज़ाम में, चाहे सी टेट हो, चाहे कोई भी आप टीचिंग एग्ज़ाम देते हो, स्किमिंग। स्किमिंग क्या होता है उसके बारे में जानिए। देखिए, स्किमिंग को हिंदी में बोलते हैं सरसरी तौर पर पढ़ना। सरसरी तौर पर पढ़ने का मतलब होता है, मान लो मैंने आपको कोई कहानी दी, क्या दी, कोई कहानी दी, और कहानी, और मैंने बच्चों को बोला कि कहानी को पढ़िए, और कहानी पढ़ने के बाद मैंने बच्चों को बोला कि आपने इसमें से क्या सीखा, क्या सार बनाया, तो उसी को हम बोलते हैं स्किमिंग। तो स्किमिंग में कोई भी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए दे दिया जाएगा और बोला जाएगा इसका जीस्ट क्या है, इसका जीस्ट क्या है, सार क्या है, या इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य क्या हुआ, या फिर आप इससे क्या समझे, क्या समझे, या इससे क्या सीख मिली, क्या सीख मिली, या आपने जो पूरा पढ़ा है उसको देखकर आप उसका सारांश बताएं, क्या बताएं, सारांश। अगर इस तरह के शब्द आ जाएं तो उसे हम बोलेंगे स्कीमिंग। क्या बोलेंगे, स्कीमिंग। या इंग्लिश में पूछा जाए कि इसका जीस्ट क्या है, जीस्ट मतलब कोई भी कहानी हो और उस कहानी में पढ़ने के बाद पूछा जाए कि इसका जीस्ट क्या है, अगर आपका वो जीस्ट बता पा रहे हैं तो उस प्रकार की स्किल को हम बोलते हैं स्कीमिंग। क्या बोलते हैं, स्कीमिंग, ध्यान रहेगा, स्कीमिंग। इसको बोलते हैं हिंदी में सरसरी तौर पर पढ़ना, यानी कि आप पढ़ रहे हो और पढ़ के आपको ओवरऑल क्या समझ में आया, ओवरऑल, ओवरऑल क्या समझ में आया, उसी को हम बोलते हैं स्कीमिंग, ध्यान रहेगा, एक नंबर पक्का अगर आप इसे समझ गए हो तो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है स्कैनिंग। ये वर्ड भी आपने काफी टीचिंग एग्जाम में सुना होगा, स्कैनिंग। क्या है स्कैनिंग? स्कैनिंग का मतलब होता है बारीकी से पढ़ना। क्या होता है, बारीकी से पढ़ना, बारीकी यानी कोई बुक है और उसमें से आप ध्यान से बारीकी से ढूंढ रहे हो, उसे बोलते हैं स्कैनिंग। ठीक है, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है, स्कैनिंग का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए मैंने आपको कोई टॉपिक दिया पढ़ने के लिए या कोई किताब दी और मैंने उससे एक चीज पूछी, वो भी क्या पूछी, स्पेसिफिक। क्या पूछा, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पूछी कि इस कहानी के अंदर ये वर्ड बताओ, तो आप क्या करेंगे या बच्चा क्या करेगा, जल्दी जल्दी उसे ढूंढेगा, जल्दी जल्दी ढूंढेगा, पूरी किताब को नहीं पढ़ेगा, सिर्फ जो पर्टिकुलर चीज पूछी गई है, स्पेसिफिक चीज पूछी गई है उसको ढूंढेगा, उसी को हम बोलते हैं स्कैनिंग। क्या बोलते हैं, स्कैनिंग। आप इसे ढूंढना या जो पूछा गया है उसे ढूंढना भी बोल सकते हैं, जो पूछा गया है, जो पूछा गया है उसे ढूंढना, उसे क्या ढूंढना, ढूंढना, उसे हम क्या बोलेंगे, स्कैनिंग। क्या बोलेंगे, स्कैनिंग, ये ध्यान रहेगा। यानी कि कोई भी टॉपिक किसी को दिया जाए और ये पूछा जाए, स्पेसिफिक चीजें पूछी जाए और आप उसे फटाफट ढूंढ रहे हो, तो उसे हम बोलेंगे स्कैनिंग, ध्यान रहेगा, एक नंबर आपका ये भी पक्का हो जाएगा अगर आप इसको समझ गए हो तो। चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला स्किल है एक्सटेंसिव। क्या है, एक्सटेंसिव, और इसको
हिंदी बोलते हैं सामान्य रूप से पढ़ना, ये भी एक प्रकार का स्किल है, स्किल है, रीडिंग स्किल। अब इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब आप सामान्य रूप से पढ़ते हो, क्या बोलते हो, सामान्य रूप से पढ़ते हो, उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव, यानी सामान्य स्किल, सामान्य रीडिंग क्षमता, सामान्य रीडिंग स्किल। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो और सामान्य रूप से पढ़ रहे हो, आराम से सामान्य रूप से बिल्कुल इजीली, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटेंसिव स्किल। चाहे नोबल पढ़ते हो, चाहे कहानी पढ़ते हो, सामान्य रूप से पढ़ना, इजी वे से पढ़ना, उसे बोलते हैं हम एक्सटेंसिव स्किल। तो आज हमने रीडिंग स्किल के बारे में पढ़ा, रीडिंग स्किल ये कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कौन कौन सी? एक होती है स्कीमिंग, स्कैनिंग और एक्सटेंसिव स्किल। स्कीमिंग मतलब सार बनाना, जीस्ट निकालना, स्कैनिंग मतलब कोई स्पेसिफिक चीज ढूंढना, और एक्सटेंसिव स्किल होता है सामान्य रूप से पढ़ना। तो ये तीनों स्किल में से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पस था कि आप स्किल को समझें, रीडिंग स्किल को समझें। रीडिंग स्किल महत्वपूर्ण रूप से तीन प्रकार की होती है, स्कीमिंग, स्कैनिंग, एक्सटेंसिव। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का सा आ सकता है। तो ये मेरा जो तीन स्किल मैंने जो बताई है, एक प्रकार के ये तीन कैप्सूल हैं, जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है टीचिंग कैप्सूल। अगर आप मेरे आपको ये छोटी सी क्लास अच्छी लगी हो, इसमें इसमें से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये इसका लिंक है, आप चाहे तो यूट्यूब पे ये सर्च करके मेरे चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपको अलग जो टीचिंग स्किल्स होते हैं, या कुछ अलग टॉपिक को लेके आऊँगा जो आपके एग्जाम में हेल्प मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।